परीक्षा प्लस की एफएक्यू श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस एफएक्यू श्रृंखला में हम आप ही के द्वारा पूछे गए सवाल को उठाएंगे और उसका जवाब जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे, तो उसी क्रम में एक फिर नए सवाल के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। आइए बात करते हैं उस सवाल के संबंध में। आप लोगों का ये जो सवाल है वो पीईटी से रिलेटेड है, यानी आपका जो सवाल है वो ये है कि पीईटी का जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी कितनी होगी या कब तक होगी। यानी एक बार आपका जो पीईटी एग्ज़ाम हो जाएगा उसका स्कोर कार्ड कब तक वैलिड होगा। तो देखिए, जो स्कोर कार्ड है वो एक साल तक वैलिड होगा, यानी अगर हम मान लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो है वो अक्टूबर में एग्ज़ाम करवा देता है और जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर में घोषित कर देता है, ऐसा हम केवल मान रहे हैं कि अगर वो अक्टूबर में एग्ज़ाम कराता है और दिसंबर में रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाता है, तो दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक, यानी पूरा एक साल तक आपका स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड रहेगा। इस एक साल के बीच में जितनी भी वैकेंसीज़ आएंगी उन सभी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो एक साल जो आपका है वो कब से कब तक स्टार्ट होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों का और भी है कि पीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कितने समय अंतराल पर होगा। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन में कोई ख़ास जिक्र नहीं किया गया है इस बात का कि पीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कितने समय अंतराल पर होगा। अब कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी पीईटी की सफलता और असफलता पर। अगर पीईटी सफल रहता है तो हो सकता है कि अगले 6 मंथ के बाद जो है एक नया पीईटी आपको देखने को मिले, फिर से एक पीईटी का विज्ञापन आए। तो ये चीज़ अभी से नहीं कही जा सकती है और फिलहाल आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना भी ज़्यादा अभी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो नोटिफिकेशन है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप इतनी मेहनत करें कि इसी में जो आपका स्कोर कार्ड है वो बेहतर हो पाए। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप मत सोचिए कि नेक्स्ट पीईटी कब आएगा। फिलहाल जो पीईटी हमारे सामने है आप अपनी पूरी कोशिश करिए कि इसी में आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो आई थिंक ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मिलूँगी एक नए क्वेश्चंस के साथ। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।